तो हम बात करने जा रहे हैं आज वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग पे, और वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग पे हम बात करेंगे रेंज की फॉर्मेटिंग्स के ऊपर। देखिए रेंज की फॉर्मेटिंग से एक पर्टिकुलर एरिया है उसको कैसे फॉर्मेट किया जाए, ये तरीका हम आपके साथ रिकॉर्डिंग इन सीखेंगे। प्रोग्रेस। तो चलिए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, और हम एक बार विंडो ले लेते हैं इसको, और यहाँ पे इसको कर लेते हैं इंसर्ट मॉड्यूल्स सब्जेक्ट आर एन जी एफ आर फॉर्मेट। अब जैसे कि मान लीजिए कि मुझे रेंज ए वन पे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है नेम, मुझे इसकी फॉन्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, तो क्या होगा? तो यहाँ लिखना होगा हमें रेंज ए वन डॉट फॉन्ट। फॉन्ट में क्या चाहिए? फॉन्ट का नेम। तो यहाँ पे फॉन्ट का नेम इक्वल टू आप फॉन्ट का नेम डाल दीजिए, जो भी आपको नेम है वो डाल दीजिए। फिर मुझे इसको बोल्ड करना है, तो फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा रेंज ए वन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू टू, ऐसे ही सारा लिखना पड़ेगा इटैलिक वगैरह। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि मुझे जस्ट सब कुछ सेम है, मतलब मुझे कई सारे एक ही ऑब्जेक्ट के एक ही मेंबर पे कई सारे सब ऑब्जेक्ट को फॉलो करना है, समझे? तो मुझे बार बार वो मेंबर लिखना पड़ा। अभी चलो ए वन तो अभी चलो आसान हो सकता है कि आपका वो कॉम्प्लिकेटेड एड्रेस हो, क्योंकि तो लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा काम करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे विद कमांड। क्या लगाएंगे सर? विद कमांड। विद कमांड तो कैसे विद कमांड यूज होगा? हम यहाँ लिखेंगे विद रेंज ए वन डॉट फॉर। अब मुझे जो है सिर्फ डॉट नेम, अब मुझे सिर्फ इसका मेंबर देना है, पूरा ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। ओके एरियल डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू डॉट इटैलिक इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, जिसको देना हो दीजिए, जो ना दे जरूरी नहीं इटैलिक नहीं दे रहा तो फॉल्स देना पड़ेगा हमें, जरूरी नहीं है, ठीक है? डॉट अंडरलाइन अंडरलाइन इक्वल टू ट्रू डॉट कलर। अब यहाँ पे कलर समझिए, ठीक है? कलर डालने का तरीका होता है, एक कलर जैसे कलर इक्वल टू आपने डाल दिया वीवी रेड ग्रीन ब्लू श्याम मजेंटा, राइट? दूसरा यहाँ पे आर जी वी रेड ग्रीन ब्लू, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, याद होगा? हाँ जी, हाँ जी। तीसरा होता है कलर इंडेक्स नंबर, कलर सब पे सेम होता है, कलर जहां भी कलर यूज होगा इसी मेथड से यूज होगा, चाहे वो रेंज पे हो, चाहे वो शीट पे हो, या चार्ट्स पे हो, या ऑब्जेक्ट पे हो। ये होता है कलर इंडेक्स, यहाँ पे नंबर। अब बोलोगे सर कलर इंडेक्स का मतलब क्या हुआ? तो इसके लिए आपको खोलना पड़ेगा एक्सेल का हेल्प, वीवी का हेल्प, माफ कीजिएगा ए, इस पर क्लिक कीजिए। ये ऑफलाइन ऑनलाइन है, 2007 में ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन खुल जाता है। अब यहाँ मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे कलर इंडेक्स, कलर इंडेक्स प्रॉपर्टी एक्सेल ग्राफ, यार दिख रहा है? तो आपने कलर इंडेक्स इक्वल टू वन किया, इसका मतलब है कि ए कलर अप्लाई करेगा। अगर आपने टू किया तो इसको किया, तो इसमें क्या है कि आपको अगर सिलेक्टेड 8-10 कलर है जो मोस्टली आप लेते हैं उसके नंबर याद कर लें। इसलिए मुझे मैं 34 करना है, तो मैं अपने इस एक्सेल में आऊँगा और यहाँ पे 34 कर लेंगे, राइट? और लास्ट में जब आपका ख़त्म हो जाएगा लिखेंगे एंड डेथ, ठीक है? तो विद की कमांड शुरू भी विद से होती है और एंड भी विद से, जो समान जिससे शुरू होती है उसी से खत्म होता है, ठीक है ना? करेक्ट। तो एंड विद कर दिया, तो यहाँ पे विद रेंज हमने फॉन्ट डाल दिया, तो विद लगाने का तरीका समझ गया। आगे चल के जो एक ही ऑब्जेक्ट पे कई सारे मेंबर्स अप्लाई करेंगे उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अब विद के बाद अगला ऑप्शन आता है, तो विद हो गया, विथ के बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है हमारा इसमें फॉन्ट हमने कर लिया, फॉन्ट के बाद हम बात करते हैं अलाइनमेंट्स, ये होता है ना सर, या बैकग्राउंड कलर करना है तो आप लिख सकते हैं रेंज ए वन
डॉट इंटीरियर डॉट कलर का जो भी कंसेप्ट है वो यूज कर लीजिए आप। ये आपका बैकग्राउंड कलर करता है, ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, ये कलर। उसके बाद आप बात करते हैं हम अलाइनमेंट्स की। यहाँ साइज है, अगर माना फॉन्ट की साइज करना है तो आप यहीं पे साइज लिखिए, फॉन्ट में इक्वल टू साइज दे दीजिए, ठीक है। अलाइनमेंट्स की, अच्छा मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे नंबर लिखा। अब मैं अलाइनमेंट्स के लिए आपको जो रिकॉर्डिंग माइक्रो करके समझा देता हूँ कि अलाइनमेंट्स क्या करता है। तो अलाइनमेंट्स में हम आते हैं और मैंने इसको यूज कर लिया। अब देखेंगे रिकॉर्डिंग माइक्रो में कि यहाँ आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, मतलब कि जो आपका ए अलाइनमेंट है हॉरिजॉन्टल है, ये आपका वर्टिकल है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एक्स जनरल, मतलब जैसा है नॉर्मल लर्ने दो, अदरवाइज आप यहाँ पे एक्स लेफ्ट, एक्स लेफ्ट सॉरी माफ कीजिए, ये वर्टिकल अलाइनमेंट है। तो यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है नीचे वाला। तो अगर आपको अगर देना है तो एक्स लेफ्ट मिडल सेंटर एंड राइट, एक्सल लेफ्ट सेंटर राइट, एक्सल लेफ्ट एक्सल सेंटर एक्सल टॉप है ना, इस तरह से टॉप मिडल एंड बॉटम, ओके इस पर दे सकते हैं। रैप टेक्स करना है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसमें जैसे कि आपने जब रिकॉर्ड किया तो पूरा का पूरा दे दिया ना आपका ये, लेकिन आपको जो जरूरत है वो डालिए, पूरा डालने की जरूरत नहीं है आपको, बाय जो नहीं डालोगे डिफॉल्ट हो जाएगा। रैप टेक्स करना है तो ठीक है। ओरिएंटेशन मतलब कितना डिग्री के एंगल पे रोटेट करना है ओरिएंटेशन, यहाँ पे डिग्री ले सकते हैं। एड इनलेन, ये आपका इनलेन होता है, करना है तो क्या लेवल करना है। स्विंग टू फिट में करना है कि नहीं करना है, यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद ये जो है आपका आता है रीडिंग ऑर्डर एक्सेल सेंटर कॉन्टेक्स्ट है। इसके बाद यहाँ पे मर्ज शेयर करना है ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ये रीडिंग ऑर्डर किस, ये आप जब राइट क्लिक करते हैं और जाते हैं फॉर्मेट सेल में, तो फॉर्मेट सेल के अलाइनमेंट में ये होता है ना, राइट टू लेफ्ट है ना हमारा, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन है टेक्स्ट डायरेक्शंस। ओके अगर आप इसको चेंज, इसमें चेंज है लेफ्ट टू राइट, तो फिर लेफ्ट राइट जैसे मुस्लिम लोग लिखते हैं ना, उतना सा आ जाएगा। हाँ हाँ करेक्ट, ठीक है क्लियर है। yes. तो अलाइनमेंट समझ में आ गया आपको। तो हमारे जो मेन है उसमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, जो हमने लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अगर सेलेक्ट कर जी। अब बात करते हैं बॉर्डर्स की। मान लीजिए आपको बॉर्डर लगाना है, तो मैं अरेंज किया A1 से लेके मान लीजिए कि C10 तक को मुझे करना है, तो डॉट बॉर्डर्स, बॉर्डर्स डॉट लाइन स्टाइल इक्वल टू 1। अब लाइन स्टाइल, बॉर्डर डॉट लाइन स्टाइल क्या होता है, इसके भी सर्च करने के लिए आप एक्सेल हेल्प में जा सकते हैं, जो भी अभी हमने कलर के लिए सर्च किया है, तो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये चीज़ें से बताने से नहीं होती है, आपको तरीका बता दूंगा ना, ये चीज़ें बता भी सकता हूँ लेकिन सारी चीज़ याद नहीं रख सकते आप, इसलिए मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि निकालना है कहाँ, ताकि आप भूल ना जाए। ये देखिए एक्सेल हमने जो 1 किया, 1 की जगह पे हम कंटिन्यूस देख सकते हैं, क्योंकि 1 का 1 इट मीन्स कंटिन्यूस होता है। तो एक्सेल डैश डॉट, एक्सेल डॉट डॉट, एक्सेल डॉट डबल, दिख रहा है ना आपको, ये लाइन के फॉर्मेट है, लाइन के टाइप्स है। अब बोलेंगे लाइन के टाइप्स क्या होते हैं, जब आप फॉर्मेट सेल करते हैं बॉर्डर्स पे जाते हैं ना आप, करेक्ट नहीं दिख रहा लाइन का टाइप, एक कंटिन्यूस लाइन है डॉट डॉट डैश डैश, क्या कौन सा लाइन चाहिए आप, ठीक है। लाइन नहीं चाहिए तो लाइन स्टाइल नल कर दीजिए, ओके समझ में आया आपको कि नहीं। चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें। देखिए प्रॉब्लम है कि जब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हम जो बॉर्डर लगाते हैं ना, वो बॉर्डर पूरा में नहीं लगाते। जैसे कि मैं बॉर्डर पे आया, मुझे टॉप का बॉर्डर चाहिए, बॉटम का चाहिए, लेफ्ट का चाहिए, लाइट का चाहिए, ए चाहिए, इसको चाहिए और ए चाहिए, ये होता है ना बॉर्डर बीच वाला, इन सब का एक अपना कोड है। देखिए ये रहा, तो आपने देखा कि हमने बॉर्डर्स की ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट में अगर हम लिख देते हैं कि मुझे डाउन का चाहिए, मुझे अप का चाहिए, मुझे बॉटम का चाहिए, तो यहाँ से उस हिसाब से आपका बॉर्डर लगेगा। अगर आप ब्रैकेट में नहीं लगाते हैं तो पूरा कंटिन्यूस बॉर्डर आएगा। जैसे कि यहाँ देखिए कि सिलेक्शन को मान लीजिए रेंज हॉरिजॉन्टल अलाइन, एक मिनट अलाइनमेंट था ना,
ये देखिए, विथ सिलेक्शन बॉर्डर्स डायलॉग डाउन, देखिए आपको लाइन स्टाइल इसका एक्सेल कंटिन्यूस होना चाहिए, ओके ठीक है ना, और कलर ऑटोमेटिक होना चाहिए, और मोटापा से थीन में होगा, थिक में नहीं जाना है, या थिक कर दीजिएगा तो मोटा हो जाएगा। ऐसे अप हो गया, लेफ्ट हो गया, टॉप हो गया, बॉटम हो गया, राइट हो गया ना मैम, इनसाइड वर्टिकल, इनसाइड हॉरिजॉन्टल, क्लियर है? हाँ जी। तो आप अपने हिसाब से इस कोड को अपने हिसाब से मर्ज कर सकते हैं, इतने सारे रखने की जरूरत नहीं है, आप एक साथ ही लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बॉर्डर की कलर होता है, लेकिन जनरली हम लोग जो बॉर्डर लगाते हैं ए वाली बॉर्डर लगाते हैं, क्लियर है? हाँ। तो हमने फॉन्ट डिस्कस कर लिया, हमने बैकग्राउंड कलर डिस्कस कर लिया, हमने अलाइनमेंट डिस्कस कर लिया, हमने बॉर्डर डिस्कस कर लिया, राइट? तीसरा कौन सा, पांचवा कौन सा आता है, वो आता है नंबर फॉर्मेटिंग, जैसे मुझे डेट करना है, टाइम करना है, तो इसका तरीके तो बहुत है, लेकिन मैं बच्चों को बोलता हूँ सिंपल तरीका कि आप जैसे कि A1 को मुझे करना है नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट करते हैं इक्वल, आप जो कस्टम फॉर्मेटिंग में डालते हैं, जैसे मुझे अगर ए करना है, डेसिमल करना है तो 0.00, मुझे परसेंटेज करना है तो इसका परसेंटेज लगा दिया, परसेंटेज में डेसिमल नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से हटा दिया, मुझे डेट का चाहिए तो DD/MM/YY कर दिया, मुझे टाइम चाहिए तो यहाँ पे मैं HH/MM/SS कर दिया, क्लियर है? ये जो नंबर फॉर्मेट जो आपके होते हैं, जो राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, और जो नंबर फॉर्मेट होते हैं इसमें जो कस्टम जो कोड होते हैं ना, ये सारा कोड उठा के आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कस्टम फॉर्मेटिंग आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, एक कस्टम फॉर्मेटिंग जो एक्सेल की क्लासेज में पढ़ाता हूँ उससे आप देख सकते हैं, या फिर जो मैं 4 घंटे का रिकॉर्डिंग भेजा था ना उसमें तो शुरुआत में है ही, हाँ जी हाँ, तो सारे कोड्स आप यहाँ लगा सकते हैं, क्लियर है? यस। डाउट इसमें नहीं, ठीक है, ये हो गई हमारी नॉर्मल फॉर्मेटिंग, अब बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, ठीक है? ओके। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर मैं स्टॉप करके दोबारा रन करता हूँ, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहले तो आपने एरिया सेलेक्ट किया, इंसर्ट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कई सारे क्राइटेरिया, जैसे मैंने हाईलाइट में गया और मैंने ग्रेटर देन 50 को कलर कर दिया, फॉर्मेट में हम सिंपल सा बोले कि हमें जस्ट इसको रेड से फिल कर देना है, ठीक है? अब देखिए यहाँ क्या कोड जनरेट हुआ, यहाँ पे सिलेक्शन को समझ लीजिए रेंज, ठीक है, ऊपर कॉलम सेलेक्ट है आपका, फॉर्मेट कंडीशन डॉट एड, क्या हुआ रेंज, आप जो कोड लिखेंगे तो लिखेंगे कि रेंज A1 A2 जो भी आपका A/A जो भी आपका कॉलम रेंज है या जो आपका ऑटोमेटिक रेंज सिलेक्शन है डॉट फॉर्मेट कंडीशंस डॉट एड, ठीक है? उसके बाद आपको क्या है इसमें, मतलब कि आप जो कंडीशन लगा रहे हैं किस पे लगा रहे हैं, एक्सेल की इस पे ले रहे हैं, इस पे कई सारी चीज़ें हैं, आप जैसे कि आप अगर ले रहे हैं एक्सेल की वैल्यू पे ले रहे हैं या उसकी कलर स्केल पे ले रहे हैं या उसकी ब्लैंक पे ले रहे हैं या डेटा वाले यूज करना है या एरर पे करना है या एक्सप्रेशन पे करना है, ये दिख रहा है आपको सर, या यूनिक वैल्यू करना है, तो ये चीज़ें वो होती है जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये आपका वैल्यू पे यूज होता है, जब मोर रूल्स पे आएंगे ना आपको तो मोर रूल्स पे दिखेगा, ये देखिए कि आपको क्या है, आपका सेल वैल्यू है या टेक्स्ट है या डेट ऑफरिंग है या ब्लैंक है या एरर है या नो एरर है, तो सारा सिलेक्शन आपको यहाँ पे आ जाता है, वो अपना सिलेक्शन ले, जैसे कि यहाँ पे अगर आपने सेल वैल्यू ले लिया, ठीक है? अब सेल वैल्यू के बाद आता है ऑपरेटर, कि क्या है ऑपरेटर, तो ऑपरेटर में यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक्सेल ग्रेटर देन, आपको एक्सेल ग्रेटर देन देना है, और फिर उसके बाद आपको Formula 1 Formula 2 आप लगा सकते हो, Formula 1 हमने दे दिया, जैसे बिटवीन हुआ तो Formula 1 Formula 2 देना पड़ेगा ना आपको, इसका यूज हो गया, तो कंडीशन लग जाएगी देन आपको यहाँ होगा कि कंडीशन फॉर्मेटिंग
एक काउंट है, मतलब कि जितना नंबर है उतना लास्ट लेता है ना, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 लेके चल सकते हैं आप। कंडीशन फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट कंडीशन .1.interior, इसका पैटर्न कलर ऑटोमेटिक है, कलर 255। तो अगर आप कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाते हैं तो यहाँ पे हमने दिया एक्सेल सेल वैल्यू फॉर्मूला में, यहाँ पे ऑपरेटर आ जाता है एक्सेल ग्रेटर GREA, सॉरी हमने ब्रैकेट ले लिया क्या, इसने ब्रैकेट नहीं देना है, ब्रैकेट नहीं देना, एक्सेल GREAT ग्रेटर, फॉर्मूला वन में हमने दे दिया ग्रेटर देन 50, ठीक है, ये हमारा कंडीशन लग गया। अब मुझे इसके अंदर डालना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि रेंज फॉर्मेट कंडीशन वन, दिख रहा है आपको सर, अभी वन क्यों किया इसने, वन क्यों किया, इसके करने के पीछे रीजन ये है क्योंकि कंडीशन फॉर्मेटिंग तो कई सारे लग सकते हैं ना, तो इसके सिक्वेंस में जैसे पहला नंबर इट मीन्स वन, समझे, इसमें तीन चार भी हो सकते हैं, तो पहला नंबर दे दिया वन। अगर आपको पता नहीं है कि पहले से भी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगे हैं तो यहाँ पे देखिए एक है यहाँ पे सिलेक्शन कंडीशन फॉर्मेटिंग काउंट, ये बता देगा कि सबसे ज़्यादा कितने लगे हैं, उस हिसाब से आप नंबर ले लीजिए, क्योंकि अगर दूसरा कंडीशन लगाएंगे तो ये पहला दूसरे पोजिशन में आ जाएगा ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान दे के करना पड़ेगा, लेकिन जनरली हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिखते नहीं है, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ जी, तो इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल हम करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये करते हैं। देखिए सिलेक्शन जो फॉर्मेटिंग है, ये फॉर्मेटिंग आपको इसे समझाने से समझ में आने वाली नहीं है, इस पर आपको एक प्रोजेक्ट करना, समझे, और ये प्रोजेक्ट आपको खुद से करना होगा, क्यों, क्योंकि ये सारा चीज़ रिकॉर्ड से आपको मिल जा रहा है। तो मैं आपको एक काम करता हूँ कि आप एक काम करें, गूगल पे जाएं, गूगल पे जाने के बाद एक हमारा अटेंडेंस का फॉर्म आपका दिखेगा, अटेंडेंस सर्च कीजिएगा, अटेंडेंस फॉर्मेट, तो इमेज में अटेंडेंस फॉर्मेट, तो गूगल में बहुत सारे फॉर्मेट्स आएंगे, आप उसे एक फॉर्मेट ले लीजिए, दिख रहा है आपको फॉर्मेट, तो कोई एक फॉर्मेट को लीजिए और उसको VBA के थ्रू बनाइए। अगर दिक्कत है तो आप एक काम कीजिए, माइक्रो रिकॉर्ड कर दीजिए और मैनुअली फॉर्मेट बना लीजिए और फिर उस कोड को ऑटोमेट, ठीक है, ओके एक कीजिए और करके मुझे भेजिए आज।